असलम आज मैं सुबह सवेरे उठी उठ के मैं ब्रश किया तो मूँह हाथ धोता सारी से बड़ा कम टाइम पे ऐसे फिर मैं छेती छेती आटा गुनिया तो मम्मी ने रोटियां बना दीतियाँ मैं गोश्त धोता तो पैन छेती छेती गोश्त उबाल लिया। इस तरह साड़ी सैरी भी हो गई। सैरी करन तो बाद फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ी और तो बाद मैं सो गई। सो के उठ के मैं तैयार हुई फिर मैं जोर की नमाज़ पढ़ी फिर मैं इफ्तारी की तैयारी करना शुरू की। मैं अम्मी ने सेब छिल दिते तो अम्मी ने छिल छिल सेब कर कर उतार दिते बरीक बरीक। उस तो बाद मैं केले छिले तो केले छिलन तो बाद मैं फिर केलिया बरीक बरीक कटता बहुत बरीक कटिया। उस तो बाद मैं खजूर की गिटकं कट दियाँ तो गिटक कटन तो बाद मैं उन्होंने बरीक बरीक कुतर लिया। वो करना थोड़ा मुश्किल होता मैं क्या मैं अम्मी को तकलीफ ना देव मैं आप ही खजूर बरीक बरीक कट लवानी। खजूर कट्टन तो बाद मैं अपनी भैन के दही बल्ले बनाना तो मैं लागे फ्रूट चाट मिक्स कर लेंगे तीनों चीजें तीनों चीज़ें पा के मैं इन्हों चंगी तरह मिक्स कर लिया। पैन लग के दही बल्ले बना लिया उन्होंने फुलकिया टर आलू प्याज मर्च चाट मसाला डाल दिता। उस तो बाद मैं ऐसा दिन नमाज पढ़ी उस तो बाद मैं दही तैयार कर लिया। दही के मैं ग्रीन चटनी कुट के पा दी और ही मैं लून पा दिता ताकि दही बल्लिया वास्ते मैं दही तैयार कर सकता। नमक पा के मैं चंगी तरह उन्होंने मिक्स कर दिता फिर पैन लग के शामिया बना लिया। कटलेट्स बनाए उन्हें वो आलू हल्दी ते लाल मिर्च ते नमक पा दिता उन्हें ला हरी मिर्च भी बिच पा दी उन्हें। इस तरह उन्हें ये कटलेट्स भी तैयार कटलेट्स उन्हें तैयार कर लिया। लागे फिर उन्हें एक अंडा घोल दिता अंडा उन्हें शा कटलेट्स नू ला के ते कटलेट्स नू फ्राई कर लिया। मैंने कैसे तो ग्रिल पैन से बना लिया लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आयल से बनावगी। मैं क्या चल तू फिर आयल से बना ले फिर उस तरह उन्होंने आयल के बिच बना लिया। इस तरह साड़ी अफतारी का टाइम हो गया। अफतारी का टाइम होया तो मैं फिर अफतारी की तो बहुत सानू मज़ा आया। सब ने अबू तो घर नहीं सी अबू के दोस्त ने अबू की अफतारी कराई सी तो अबू उत्थे अफतारी कर गए सी। तो अफतारी करन तो बाद फिर मैं मगरिब की नमाज भी पढ़ी दही बल्ले खाधे तो कटलेट्स खाधा फ्रूट चाट खाधा तो मगरिब की नमाज पढ़ी। उस बाद मगरिब की नमाज पढ़ने बाद मैं उत्थे चाह रखती चाह ते दो चम्मच चाह पत्ती पाए और बाद हल्की जी स्क्रीन पा के चंगे चाह नू उबाले तवाए ताकि चाह बहुत ही मज़ेदार बने। तो फिर चाय मेरी रेडी हो गई तो फिर मैं छेती छेती कप्पा में चाह पाई। कप्पा में चाह पाने बाद मैं ब्राउन शुगर भी रख दी उस बाद मैं ब्राउन शुगर कप से पाए तो उन्होंने चंगी तरह मिक्स कर लिया। उस तो बाद असी चाय नू बहुत इंजॉय किया उस तो बाद थोड़ी जी फुटबॉल खेली तो फिर मैं शादी में फिर मैं थक गई सी फिर मैं सोने की तैयारी की। अल्लाह।